अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। और आज आप लोगों के साथ मैं ना अपने शाम का, अभी फ़िलहाल का क्या मेरा रूटीन चल रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जब से मैं इस वाले फ्लैट में आई हूँ, इस अपार्टमेंट में आई हूँ, वैसे आप लोगों को शायद मैंने बताया नहीं, मैंने अपना अपार्टमेंट जो है वो चेंज किया हुआ है। और इस वाले अपार्टमेंट में जब से आई हूँ तब से इनाया जो है ना उसका एक एक्टिविटी बढ़ गई है कि वो 4 से 5 जो है उसे नीचे कंपाउंड में जाके खेलना होता है। तो ये वाला जो अपार्टमेंट है इसमें बहुत बच्चे हैं, माशाल्लाह बहुत बच्चे हैं, और ये काफ़ी ब्लॉक वाला है, तो ABC इस तरह का है। तो हर कोई जो है वो इस नीचे कंपाउंड में बच्चे आके खेलना शुरू करते हैं। तो 4 से 5 इन लोगों का टाइम होता है, तो मेरा भी यही टाइम हो गया। मैं रोज़ जो है इनाया को 4 बजे नीचे लेकर आती हूँ और यहाँ पे सारे बच्चे जो हैं आना शुरू हो जाते हैं। 4 से 5 ये इनका 1 घंटा टाइम है, वो खेलते हैं। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि नायक को मतलब मैं डेली लाऊं और वो खेले, क्योंकि बच्चों की एक्टिविटीज़ जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके आउटडोर। मतलब दिन भर तो अंदर रह के खेलना ही होता है इन लोगों को। तो खैर हाल, यहाँ पे देखे वो आ गई है, वो 1 घंटा ही टाइम मिलता है। मगरिब के बाद सब बच्चे, जैसी अजान होती है मगरिब की, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो यहाँ पे वो जो है वो फ्रेश हो रही है। वो अभी आजकल क्या कर रही है कि वो अपने से ही अपना हाथ पैर वगैरह सब धो रही है, तो वो सही है। और यहाँ पे देखिए, ये जो वजू वाला बेसिन था इसको मैंने ना इसका वॉश बेसिन बना दिया, क्योंकि इसका हाइट के हिसाब से सही है इसके लिए। और यहाँ पे मैं इनाया से पूछ रही हूँ कि तुमने टी शर्ट में क्या लगाया है, तो उसने चॉकलेट लगा दिया था पता नहीं कैसे। और आज ही मैंने ना इसे वाइट कलर की न्यू टी शर्ट बनाई है, और जब भी मैं न्यू टी शर्ट पहनाती हूँ वाइट कलर की, वो इसी तरह उसे कुछ ना कुछ लगा कर गंदा ही कर देती है। और मुझे इस पर वाइट कलर अच्छा लगता है, और मुझे पर्सनली वाइट कलर अच्छा लगता है, इसलिए ज़्यादातर मैं लेती हूँ इस तरह का की टी शर्ट। तो माशाल्लाह से इनाया जो है ना वो अब जो है वो बात जो है वो सुनती है, मतलब अगर मैं उसे कुछ काम वगैरह बोलती हूँ तो वो करती है। तो माशाल्लाह मेरी बेटी बड़ी हो रही है, मतलब मैं इसको कुछ काम बोलूँगी कि नाया ये बंद कर दो, जैसे लाइट ऑफ़ कर दो, वो लाइट ऑफ़ करती है। और अभी देखे वो अभी क्या हो रहा है कि जब बाहर से आती है तो वो खुद ही फ्रेश हो जाती है अब खुद से ही। और माशाल्लाह ये थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रेश हो गई, और यहाँ पे मैं इसको शाम के वक्त थोड़ा सा स्नैक दे देती हूँ कुछ खाने के लिए। उसके बाद जो है ना उसका पढ़ने का टाइम शुरू हो जाता है। तो मैं ना 6 से 7 या कभी कभी 6:30 से 7:30 इस तरह का 1 घंटा, जिस तरह 1 घंटा वो खेलती है उसी तरह मैं ना 1 घंटा, कभी कभी तो बस 30 मिनट इस तरह से पढ़ाती हूँ। क्या है ये? ये फ्रूट्स है। फ्रूट्स? सर्कल करो, कौन से अल्फाबेट से है? ये क्या है वो? ये एफ है। सर्कल करो, अच्छे से सर्कल करना। करती हूँ। गुड। नेक्स्ट? नेक्स्ट एलिफेंट। हाँ। एलिफेंट से कौन सा होता है? ये देखिए। हाँ, ये। ये। ये को देखकर कर लेंगे। ये देखिए। गुड। अब बॉल। हाँ। पीपो बॉल। बी क्या है? ये। नेक्स्ट। अब इनाया सुनाने वाली है दुआ, ठीक है? चलो पहला सोने की दुआ। सोने की दुआ। हाँ। दूध पीने की दुआ। अल्लाह माँ पानी के लमा है। पी। और उसके बाद इल्म की दुआ। इल्म की दुआ आता नहीं। रब्बी रब्बी। हाँ? रब्बी। हाँ, रब्बी दिनी इमा। रब्बी दिनी इमा। अच्छा। रब्बी दिनी इमा। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा, अब ना रब्बना सुना दो। रब्बना। ऐसे ऐसे ऊपर करके, ऊपर देखो, मम्मा को देखो। हाँ बोलो। रब्बना रब्बना। हाँ? आज देखना तो उसकी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो गई, होमवर्क भी उसने कर लिया, और थोड़ा बहुत जो मुझे उसको रिवाइज कराना था वो करा लिया। उसके बाद जो है ना उसे कार्टून देखना होता है, और हर चीज़ ना टाइम पे, एक सही टाइम पे देना बहुत ज़रूरी है।
तो वो भी मैंने अभी इसको लगा दी, और यहाँ पे एक पेस्ट्री रखी हुई थी, वो इसे इंजॉय कर रही है, साथ में कार्टून भी देख रही है। अच्छा, जब भी वो खेल के आती है बाहर, मैं उसका कपड़ा जो है वो चेंज कर देती हूँ फ़ौरन ही, क्योंकि वो इसका क्या है ना, ये ज़मीन में बहुत ज़्यादा बैठ बैठ के खेलती है, लेकिन आज जो है उसने नहीं वैसा वाला गेम खेला था, तो फिर भी मैं इसका डेली चेंज करती हूँ बेड टाइम पे, इसको नाइट ड्रेस बनाती हूँ। तो अभी इसलिए मैंने नहीं चेंज किया, क्योंकि अभी जो है ना फिर थोड़ी देर बाद हमें बाहर जाना है, कुछ काम से है, बाहर जाऊँगी तो आपको बताऊँगी क्या काम है, तो उसके बाद फिर आकर मैं इसका जो है वो नाइट ड्रेस चेंज करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसका कार्टून लगा दे रही हूँ यूट्यूब में, जो कि मैंने टी वी पर किया हुआ है, और ताकि वो आधा घंटा जो भी है वो कार्टून देखे, तब तक फिर हम लोग निकल जाएंगे बाहर। तो बस यहाँ पे केक खा रही है और कार्टून देखेगी वो, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं लेडीज़ मार्केट जुबैल, तो कि जुबैल का जो लेडीज़ मार्केट है वो जुबैल सेंटर, यहाँ पे आपको हर तरह की शॉप मिलेगी, और आपको हर चीज़ मतलब ब्यूटिशियन का सामान हो गया आपको, उसके बाद जितने तरह के मतलब घर के सामान, हर चीज़ ए टू जेड मिलेगा यहाँ पे। ये एक ऐसा जगह है। तो यहाँ पे मैं आज जो अबाया की शॉप में आई हूँ, और अबाया मुझे लेना है एक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अबाया के शोरूम में। ये जो है शॉप ना, इसका नाम नीलोफर है, ये लेडीज़ मार्केट में है, और अच्छे अच्छे अबाया हैं। वैसे मैंने पूरी वीडियो तो नहीं बनाई है, एक इंशाल्लाह बनाऊँगी जल्द ही एक लेटेस्ट डिज़ाइन पे अबाया का। मुझे नॉर्मल एक सिंपल अबाया लेना था ब्लैक कलर का, तो जो कि मैंने उसे पसंद किया। उसके बाद ठीक वहाँ पे एक फ्रूट का ना शॉप था, मतलब यहाँ पे जूस बना रहे थे, तो इन्होंने इतने अच्छे से बहुत तरह के फ्रूट्स रखे थे, तो हमने यहाँ पे एवोकाडो और मैंगो का मिक्स जूस लिया, क्योंकि मेरा जो अबाया था ना, वो मैंने ना दिया हुआ था शॉप में, वो पूरा काम कंप्लीट नहीं होता, बटन लगवाना था, फ्रंट ओपन था, मुझे उसमें बटन लगाना था, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 20-30 मिनट लगेगा, तो तब तक हम क्या करें कि हमने जूस लिया, हम गाड़ी में बैठ कर ही जूस हम इंजॉय कर रहे थे। ये है शो, ये है देखे अबाया का शॉप। तो यहाँ पे मेरा जो है अबाया वो रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे अपने छोटे से व्लॉग को, ये शाम का जो मेरा आज का रूटीन था, ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वैसे मैं ना कोशिश करूँगी ये लोकेशन जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।